गाइस फाइनली स्नोफॉल पड़ चुकी है चाइना पिक के ट्रैक में, आप लोग देख सकते हो। सो वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो गाइस, इट्स योर उरुस। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी दिखा दी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना पीक साइड पे बर्फ पड़ चुकी है। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए चाइना पीक। इस वक्त मेरे साथ है हितेश भैया, AKA द गाय फ्रॉम हल्द्वानी। कैसे हितेश भैया आप? बहुत बढ़िया यार। सो आज हितेश भैया मैं, मेरा प्लान बन गया अचानक से जाने का चाइना पीक में। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वहाँ पे स्नोफॉल है या नहीं, और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि हो सकता है वहाँ पर पॉजिटिव होते स्नोफॉल पड़ जाए। तो आप लोगों को सारी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी भी सब्सक्राइब नहीं करता तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट्स आप लोगों के लिए क्या ही करूँ। तो प्लीज़ मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अपना काम छोड़ छोड़ के ऐसे सब चीज़ें करनी पड़ती है भाई। तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ पर चलते हैं, अभी गाड़ी बैठे थे तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे चाइना पीक के साइड पे। हितेश भैया रहे, लेकिन बाइक से आए थे ना, बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि ना मैं सब जगह की वीडियो देख रहा हूँ। हाँ। सबके वहाँ स्नोफॉल होगी, मनाली होगी, मसूरी होगी, मतलब मुझे एक्साइटेड था ना कि यार नैनीताल में कब होगी। हाँ। और मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा था। हाँ। मैंने कहा इसने भाई ने डाल दिया होगा अपडेट की पड़ गई करके। तो अभी जाके हम लोग खुद देखेंगे, विटनेस करेंगे कि यहाँ पे स्नोफॉल है या नहीं है, या फिर पड़ी जाए क्या पता, मौसम तो हो जाएगा। तो वही जा रहे हैं अभी, तो चलते आगे सुविधा देरी करें, लेट स्टार्ट द व्लॉग गाइस। मौसम देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग गाड़ी लगा दी थी हितेश भाई की गाड़ी भाई। यहाँ से है अभी ट्रैक, लोग कहते हैं ना टिकट लगेगा, तो सही में टिकट लग रहा है हितेश भैया, फ्री की चीज़ से टिकट लग रहा है भाई, बस गेट लगा कर। तो ये लोकल वालों के लिए तो रिहायत होनी चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं, अभी ट्रैक स्टार्ट कर दिया यहाँ से। सो भाई आगे देख सकते हो पूरा ऐसे फॉग लग रखा है, बहुत भयंकर। हितेश भैया क्या लगता है ऊपर बर्फ मिलेगी हमें? उम्मीद तो हमें है, बट क्या पता ना मिले, बट कोशिश करते हैं। क्या बात है तेज भैया, दो चार बंदों ने पहचान भी लिया नीचे आते आते। सो भाई उन्होंने बोला है कि ऊपर रास्ते में आप लोगों को मिल सकती है। एक तो बोला नहीं जा रहा ना, थक गए बहुत ज़्यादा, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ट्रैक की। हम तो यार लोकल्स के होके भी ऐसी हालत हो जा रही है, अगर आपकी हैबिट नहीं है फिर तो पता नहीं क्या होगा आपका भाई, इसलिए सोच समझ कर आना इस रास्ते में। एंड वो बता रहे हैं कि रास्ते में है थोड़ी बहुत बर्फ, चाइना पीक पे ऊपर ज़्यादा नहीं है, तो जाकर देखते हैं कैसा होता है। ओहो सो भाई जिसके लिए आए थे थोड़ी स्टार्टिंग तो हो गई है भाई मिलने की, अब इसी उम्मीद में आके जाएंगे भाई। यही सब चीज़ों के लिए मैं इतने महीनों से वेट कर रहा था, फाइनली मिल तो गई, बहुत खुशी हो रही है। वाह भाई बहुत खुशी हो रही है, एक दो साल बाद इसको देख कर, क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ से नीचे को देख पा रहे होगे भाई, तो भाई और मिलना स्टार्ट हो गई है बर्फ के नाम पे, कीचड़ हो गई यहाँ पे, लोग आ रहे होंगे ना, सो पूरी कीचड़ हो रखी है यहाँ पे बर्फ़ की, तो ऐसा कुछ है भाई, बढ़िया लग रहा है। सो भाई फाइनली सीज़न का पहला स्नोफॉल आपके सामने है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड अभी भी रास्ते में ही है थोड़ा भाई, लोग आ रहे होंगे तो थोड़ी फिसलन हो गई है। सो भाई थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर फिसलेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। ओह माय गॉड भाई, इससे खेलने का तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बट इसकी हालत देख के खेलने वाला लग नहीं रहा है मुझे, बस मैं इसको ही देख के एक्साइटेड हो गया। जहाँ तक आना भाई पूरा वर्थ हो गया, सुबह सुबह उठ के चीज़ें आसान नहीं होती भाई व्लॉगिंग करना भी। सो देख पा रहे होगे, अभी और ऊपर चलते हैं देखते हैं शायद और कुछ और देखने के लिए मिले। चलो भाई थोड़ी उम्मीदें जागना स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई यहाँ से स्नोफॉल। सो भाई यहाँ से ये सब चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशी तो हो रही है। अभी अब मौसम देख के तो लग नहीं रहा कि पड़ेगी क्योंकि कोहरा लग रहा है, बट फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतनी बर्फ़ देख के हम बहुत खुश हो गए। बाकी जो आने वाले टाइम में पड़ेगी इसके अलावा भी, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। बर्फ़ तो अपनी जगह ठीक है, बट अगर बारिश पड़ने लगे ना तो बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगेगी कि बारिश पड़ रही है या बर्फ़ पड़ रही है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही सकती है। तो चलते हैं अभी आगे कोई। सो गाइस फाइनली पहली बर्फ़ भाई नैनीताल की,
पूरा वाइट ही वाइट भाई, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इधर को। मज़ा आ गया यहाँ के भाई। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग नैनीताल में, जहाँ पे स्नोफॉल हो रखी है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो सारा स्नो पड़ रखी है भाई। मेन सिटी में नहीं हुई है अभी, बट ऊपर ऊपर के एरिया में चैनपी का ट्रैक है ये पूरा, तो यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अभी आगे। सो भाई यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रील्स और फोटोज वगैरह लिए, अगर देखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर सकते हो @RUZ एंड हितेश भाई का जरूर से इंस्टाग्राम चेकआउट करना, मस्त रिकमेंडेड है भाई, द गाय फ्रॉम हल्द्वानी। तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे, बहुत मज़ा आया भाई स्नोफॉल देख के, मन नहीं कर रहा यहाँ से ऊपर को जाने का, बट चलते हैं, फोटोज़ वगैरह खिंचवा ही लिए, मज़ा आ गया भाई। पूरा ट्रिप सक्सेसफुल हो गया जो यहाँ पे ट्रैक हमने करा अभी तक। स्नोफॉल देख पा रहे हो चारों तरफ भाई, जरूर से देखो पूरी वीडियो, मज़ा आ रहा है भाई पूरा। वाइट वाइट यहाँ से दिखा दीजिए थोड़ा जूम करके, पूरी आगे तक का बर्फ है। तो चलते हैं, आइए आगे मेरे साथ। इस फाइनली स्नोफॉल पड़ चुकी है चाइना पिक के ट्रैक में, आप लोग देख सकते हो। एंड ऐसा कुछ है भाई यहाँ पे माहौल, हमने बैठे खड़े होके। सो भाई लोगों फाइनली चाइना पिक पहुँच गए, यहाँ पे इतनी बर्फ है थोड़ी। सो भाई काफ़ी सारे लोग हैं चाइना पिक पहुँच गए, बस अब उस व्यू की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे नैनीताल का व्यू दिखता है, और जो कि दिखना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ से अभी कोहरा लग रखा है सामने, आप लोग देख पा रहे होंगे। बट पहुँच गया भाई फाइनली। भाई ये है चाइना पिक का हाल नैनीताल के इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर के शायद 4 बजे होंगे, 2 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट करी थी क्योंकि बीच में कॉन्टेंट वगैरह बनाना होता है, तो धीरे धीरे जाते हैं हम लोग ऊपर को। बट ऐसा कुछ हाल है भाई यहाँ का, बैंड बज गई बट पूरा बढ़ता भाई यहाँ पे आना आज के दिन। बर्फ पड़ी है वादी में। तो भाई मुझे पता है मेरे बाबू भीग गए। ओ भाई हितेश भाई गए उस तरफ को। हितेश भाई कैसा लग रहा है आपको बर्फ में जाके? ज्यादा हाथ ठंडे हो गए वहां से। लोअर गीली हो गई। अभी तो यार भी इन्होंने स्लाइड करी, मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा। सो बहुत मजा आया भाई। तो ऐसा कुछ चाइना पिक का हाल। सो भाई लोगों फाइनली हम लोग आ चुके हैं चाइना पिक पे, एंड यहाँ पे बर्फ देखो भाई चारों तरफ बर्फ, बट ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट इतनी है कि हमारी फोटोज बहुत अच्छे से आ सकती है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके, देख पा रहे होगे इसको फुटबॉल की तरह हेड मारते हैं, तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके भाई। तो ये है चाइना पिक नैनीताल 1 फरवरी 2024 भाई। सो अभी ऊपर आने का ट्राई करता हूँ, फिसल के ना गिरूं बस। तो सेफली पहुंच गए ऊपर। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई चाइना पीक पे, बट यहाँ का जो व्यू है कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा यहाँ पे बादल लग रहे हैं बहुत ज़्यादा भयानक। सो यहाँ पे बर्फ़ भी शायद नहीं होगी, हितेश भी है क्या बर्फ़ यहाँ पे? बिल्कुल बर्फ़ नहीं है बट यहाँ के जो सुबह सुबह के शॉट्स थे, यहाँ के जितने पेड़ थे सारे उसमें बर्फ़ लगी थी, बट बारिश की वजह से सब खत्म हो गया होगा, पूरे चारों साइड कोहरा कोहरा लग रहा है भाई। सो भाई लोगों ये रहा चाइना पिक का आखिरी कोना, यहाँ से सीधे खाई है भाई, यहाँ से दिखता बहुत अच्छा नैनीताल का व्यू, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है, समय फॉग लगा है बहुत भयंकर भाई। जैसा कि आप लोग ने आज की इस वीडियो में देखा होगा, ये था फरवरी का पहला दिन जिस दिन हमें स्नोफॉल विटनेस करने के लिए मिली थी। सुबह के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, इस वक्त चाइना पिक पे बर्फ़ नहीं है। टाइम हो रहा है इस वक्त 3:10 एंड चाइना पिक के रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिली थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इतने मेहनत से ट्रैक करा भाई आज चाइना पिक का, ज़रूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भाई, स्नोफॉल हो ही गई फाइनली। सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, अब मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर से शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके लिए बस इतना ही, अब मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़।